जनपद झांसी के कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नए पुलिस कप्तान के रूप में आईपीएस सुधा सिंह ने जिले का कार्यभार ग्रहण कर लिया। आईपीएस सुधा सिंह वर्ष 2011 बेंच की आईपीएस है। इसके पूर्व वह जनपद झांसी में डीएसपी के रूप में तैनात रह चुकी हैं। जिले की अपराध और अपराधियों की भौगोलिक स्थिति से वह पूरी तरह वाकिफ है। अपराध और अपराधियों पर रोकथाम लगाने में आसानी होगी। जिले की नवांगतोक पुलिस कप्तान सुधा सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध और अपराध पर अंकुश होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन से सामंजस्य बनाकर प्लान कराया जाएगा। भूमि विवादों का सही ढंग से निस्तारण कराने के लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी। निष्पक्ष कार्य करते हुए कब्जाधारियों पर कार्यवाही होगी। वहीं उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं पर कार्यवाही बदस्तूर जारी रहेगी। किसी की जमीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि वह झांसी जनपद की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं। वह डीएसपी और एसपी देहात के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से भी सहयोग करने और फर्जी अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सहयोग की अपील की। नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन सी ओ सिटी रही हूँ और फिर एसपी रूरल के पद पर भी थोड़े दिन कार्यरत रही हूँ। तो बहुत झांसी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है हम लोगों का। झांसी के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो है क्राइम भी तुलनात्मक रूप से कम है। तो और अब मैं यहाँ पर एसएसपी के पद पर मुझे भेजा गया है, जिसमें मैंने कार्यभार कल ग्रहण कर लिया है। तो मेरी पूरी जो प्रयास है वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो है जितने दिन मैं तैनात हूँ उतने में अपराध पे नियंत्रण रहे और लॉ एंड ऑर्डर जिले का मेंटेन रहे, एक अच्छा माहौल रहे, और इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्राथमिकताएं जो पुलिस की होती हैं, जो हमेशा होती हैं, वही प्राथमिकताएं मेरी होंगी। जैसे मैंने बताया कि क्राइम अपराध पे नियंत्रण रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहे और महिलाओं की सुरक्षा सही वो रहे, इसी का मुझे हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग कार्यरत रहेंगे साथ सभी मिलकर। हाँ, मैंने कहा यहाँ ट्रैफिक की स्पेशली सिटी एरिया में थोड़ी समस्या है और वाहनों की संख्या पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा हुई है, जिसको और सभी वाहन रोड पर रहते हैं जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या होती है। तो हम लोग इसका एक कॉम्पोजिट रूप से सभी विभाग मिलके और डीएम साहब के साथ सहयोग के साथ एक पूरा कमेटी और इसकी एक टीम बनाकर एक बार हम लोग इसका पूरा विचार करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, नो एंट्री का पालन तो कराना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। तो जैसा आपने अगर ये प्रश्न उठाया तो इसको मैं देखूंगी कि नो एंट्री का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है और भविष्य में इसका पूरा पालन कराया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। भूमि कब्जे से जुड़े कई मामले यहाँ पे आते हैं, इसके अलग से फ्रॉड सर रहेंगे, लेकिन अभी भी मामले रुक नहीं रहे, कई बड़े माफिया यहाँ पे भी एक्टिव हैं, उनके लिए क्या अलग से कुछ टीम बनाई जाएगी, क्या कर रहे हैं? मैं देख लूँ कि यहाँ किस तरह का सेल बनाया गया है, अभी मैंने उसको पूरा देखा नहीं है। और इसमें चूँकि भूमि विवाद जो है वो हमेशा जिलाधिकारी के सहयोग के साथ ही उसका निस्तारण होता है, तो एक प्रॉपर निस्तारण हो जाए और किसी तरह का कोई भू माफिया या किसी जो सही ज़मीन है उसमें किसी का दूसरे का कब्जा ना हो, इसके लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। इसके लिए मैं इसको देख लूँ पूरा और फिर मैं इस पर कोई एक जो प्रोग्राम है उसको देखूँगी, फिर करके चौकआउट करूँगी। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।